आता आपण उतारा क्रमांक 3 अभ्यासू। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या विस्तीर्ण खिडकीतून मी मकबऱ्याचे कितीतरी रूप पाहिले आहेत। मेरा जो खिडकी थी ना, मेरी जो लायब्ररी की खिडकी थी, वहां से मैंने मकबरे के कितने रूप देखे है। तेव्हा मकबऱ्याच्या माझ्यावर नेत्रावर शीतलतेने शिडकाव केला है। नेत्र यानी आंखों को कहते हम, क्या कह रहे कि उस ठंडा पानी आंखों में डाल देना होता ना, इस तरीके से मकबरा ने मुझ पर ठंडा पानी डाला है। 13व्या शतकाच्या चोबा कवीच्या उखाहरणासारख्या पूर्व काव्यांच्या संपादनाच्या स्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असतोय, त्या एकांताच्या क्षणात फक्त मकबरा माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे। ऐसे वक्त क्या होता कि जब मैं अकेला महसूस करता, जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो तब मकबरा जो है मेरा सहारा बनकर, मेरा साथी बनकर हर वक्त मेरे साथ खड़ा होता था। तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारीचे माझ्या पाठीवर मायाचा हात फिरवला। ऐसे वक्त क्या कि मकबरे की जो मीनार है उसने मेरी पीठ पर माँ के जैसा हाथ फिराया है, पैर से हाथ फिराया है। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिड़कीतून हाथ लांब कर अपना नाजुक बोटाने त्याला मला सवारले आहे। इस तरीके से लेखक क्यूमो पठान यहाँ पर बता रहे कि उसने अपने नाजुक हाथों से मुझे संभाला है, उसने अपने नाजुक हाथों से मेरी पीठ पर हाथ फेराया और हमेशा मुझे जो है ना उसने सपोर्ट किया है, सहारा दिया है। इस तरीके से लेखक मकबरा और लेखक के दोस्ती का जिक्र यहाँ पर कह रहे हैं कि शुरुआत में हमने देखा 25-30 वर्षों पूर्व झाले, परंतु क्या कह रहे हैं कि 25-30 सालों के, लेकिन हमारे दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी अनबन नहीं हुई, हम दोनों अभी तक साथ में रहे। इस तरीके से यूमो पठान यहाँ पर बता रहे हैं। हम अगले पैसेज में, अगले वीडियो में हम उतारा क्रमांक 4 और आखिरी उतारा हमारा।